नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी या फतेहाबाद ऑटो मार्केट या ट्रैक्टर मेला, जैसा भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये मार्केट हर संडे को लगती है, काफ़ी सारे यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस एंट्री से ट्रैक्टर को आते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक बार आपको मंडी का यदि मैं नज़ारा सबसे पहले ही दिखाना चाहूँ तो आप इस साइड से भी देख सकते हैं, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे। आप दो रो इस साइड देख सकते हैं और इसके विपरीत साइड या अपोजिट साइड भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर, यानी कि दो रो वहाँ पर भी हैं और आगे चौक आ जाता है उस पर भी काफ़ी ट्रैक्टर हैं। संडे वाले दिन यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में ट्रैक्टर आते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनालिका से। सामने आप देख रहे हैं सोनालिका DI 750 थर्ड। सबसे पहले आप इसका राइट साइड से व्यू देख रहे हैं। और यदि सामने से व्यू की बात करें या फ्रंट लुक की हम बात करें तो आप इस साइड से सामने से भी आप एक बार इसका जो व्यू है वो देख लीजिए, वो आप सामने से भी देख सकते हैं। और यदि रेट और मॉडल की हम बात करें तो 2013 मॉडल ये ट्रैक्टर है और 3,98,000 इस पर यहाँ पर कीमत की गई है। वैसे ज़्यादातर भाइयों की कमेंट रहती है कि यहाँ पर प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो भी प्राइस होता है डीलर के द्वारा या ओनर के द्वारा यहाँ पर अंकित किया जाता है, लगा दिया जाता है, और मार्केट में या किसी भी मंडी में जो प्राइस लगाया जाता है वो एवरेज से कुछ हाई होता है। यहाँ पर भी 20-25 हज़ार से लेकर 50 या इससे ऊपर भी कई बार एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है। और ये बात लगभग सभी वीडियोज़ में बोली भी जाती है कि मंडियों में जो प्राइस होता है वो नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएबल होता है। तो इस कारण इसमें हमारा भी कोई रोल नहीं रहता या मेरे द्वारा भी कोई इसमें फेरबदल नहीं की जाती। जिस भी ट्रैक्टर पर जो भी प्राइस लिखा जाता है वो मेरे द्वारा या हमारे द्वारा बता दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में 2013 मॉडल ही है और 3,98,000 इसकी कीमत की गई है। यदि हम बात करें इसके फ्रंट टायर की तो सबसे पहले इसके फ्रंट टायर आप देख लीजिए, गुडियर कंपनी के हैं, 750/16 के हैं। राइट साइड से ये इसका व्यू है। और यदि बात करें इसके रियर टायर की तो 14/28 के इसके रियर टायर हैं। काफ़ी अच्छी लुक है, एकदम परफेक्ट है बिल्कुल, रियर वाले टायर भी और फ्रंट वाले टायर भी। 2013 मॉडल और 3,98,000 इसकी कीमत की गई है, यानी कि 4,00,000 ही मान करके चलिए। और इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको सोनाली का DI 750 थर्ड देखने को मिलता है। इस पर यदि रेट और मॉडल की हम बात करते हैं सबसे पहले तो इस पर 2017 मॉडल है और 4,75,000 इस पर यहाँ पर कीमत की गई है। यदि फ्रंट टायर की हम बात करें तो 750/16 के इसमें फ्रंट टायर हैं, अच्छी कंडीशन के साथ में, 80% के आसपास हैं। और रियर टायर की कंडीशन भी लगभग 60% से प्लस ही है। और ये आप इसका लेफ्ट साइड से भी व्यू देख सकते हैं। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI देखने को मिलता है। और ये आप सबसे पहले इसका राइट साइड से व्यू देख रहे हैं। यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की तो 6/16 के इसमें फ्रंट टायर हैं। ये आप सामने से भी इसकी बिल्कुल नज़दीक से कंडीशन का अंदाज़ा शायद लगा सकते हैं। और यदि बात करें इसके रियर टायर की तो रियर टायर की भी कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से देख लीजिए। और सामने यदि हम इसको सामने से बात करें तो सामने से भी आप इसका एक व्यू देख सकते हैं या एक इसकी लुक देख सकते हैं। रेट और मॉडल पे हम आते हैं तो 2017 मॉडल ये ट्रैक्टर है और 4,85,000 इस पर यहाँ पे कीमत की गई है। ये आप इसका लेफ्ट साइड से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको HMT 49 देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इसकी सामने से लुक देख लीजिए। यदि इस पर रेट और मॉडल की हम बात करें तो अभी तक इस पर
रेट्रो मॉडल अंकित नहीं किया गया, दर्शाया नहीं गया, तो इसको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको पावर ट्रैक यूरो 50 देखने को मिलता है। 2018 मॉडल ये ट्रैक्टर है और 4,80,000 इसकी कीमत की गई है। सामने से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए। यदि बात करें हम इसके फ्रंट टायर की, तो ये फ्रंट टायर का भी व्यू आप इसका बिल्कुल नज़दीक से इसके फ्रंट टायर को देख सकते हैं। कंडीशन फ्रंट टायर की एकदम ओके, 750/16 के हैं ये आप देख सकते हैं। और इसके रियर टायर की हम बात करते हैं तो रियर टायर की भी कंडीशन बिल्कुल ओके, एकदम नई कंडीशन के साथ में है। और प्लेटफॉर्म का व्यू भी एकदम ओके है। 2018 मॉडल है और 4,80,000 इस पर जो कीमत लिखी गई है वो नेगोशिएबल ही होती है। और आगे हमको महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इसका एक फुल व्यू देख लीजिए या एक लुक देख लीजिए आप इसकी फ्रंट साइड से। यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर की जो कंडीशन है वो एकदम अच्छी है। 750/16 के फ्रंट टायर हैं ये, आप बिल्कुल नज़दीक से भी इसकी कंडीशन का अंदाज़ा शायद लगा सकते हैं। और बात करें इसके रियर टायर की, तो रियर टायर की भी कंडीशन एकदम ओके, 14/28 के रियर टायर हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के साथ में। और ये आप प्लेटफॉर्म का व्यू भी इसका यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये आप इस साइड से, इसका लेफ्ट साइड से भी व्यू देख लीजिए। इसके बाद आता है जॉन डियर 50/50D, राइट साइड से आप व्यू देख रहे हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट टायर की बात करते हैं, तो फ्रंट टायर की आप देख सकते हैं कंडीशन एकदम ओके, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के साथ, 750/16 का इसमें साइज है। और यदि बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर की कंडीशन भी एकदम ओके है, 14/28 के इसमें रियर टायर हैं। ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप इसका देख सकते हैं। और यदि सामने से व्यू की हम बात करते हैं, सामने से इसकी एक फुल व्यू लुक की हम बात करते हैं, तो आप सामने से भी इसकी एक लुक देख सकते हैं, ये यहाँ से देख लीजिए। और ये लेफ्ट साइड से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको स्वराज 855 FE देखने को मिलता है। यदि हम इसके फ्रंट टायर की बात करें, तो फ्रंट टायर की जो कंडीशन है वो आप यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के साथ में है। और रियर टायर की जो कंडीशन है वो लगभग 50% के आसपास। और प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि सामने से या फुल व्यू की हम बात करें फ्रंट साइड से, तो वो भी आप देख लीजिए। और ये लेफ्ट साइड का व्यू, 3 सिलेंडर में ही आते हैं ये स्वराज के जो ट्रैक्टर हैं 960 तक, ये देखिए आप। और इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको सोनालिका DI 750 थर्ड देखने को मिलता है। यदि फ्रंट साइड से व्यू की हम बात करते हैं, तो फ्रंट साइड से भी आप इसकी एक लुक यहाँ से देख सकते हैं। यदि रेट और मॉडल की हम बात करें, तो 2017 मॉडल ये ट्रैक्टर है और 4,90,000 इस पर जो कीमत की गई वो नेगोशिएशन होती है, यानी कि नेगोशिएबल कीमत यहाँ पर लिखी जाती है। ज़्यादातर मार्केट में जो कीमत रहती है वो नेगोशिएबल ही होती है। और फ्रंट टायर की हम बात करें, तो आप ये देख सकते हैं 750/16 के फ्रंट टायर हैं। और यहाँ से आप इसके जो कंडीशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यदि रियर टायर की हम इसकी बात करें, तो इस साइड से आप इसके जो रियर टायर की भी कंडीशन देख लीजिए। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। और यदि हम इसके लेफ्ट साइड से व्यू की बात करें, तो आप इस साइड से इसका एक नज़र देख सकते हैं व्यू। इससे आगे यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो महिंद्रा 555 DI महिंद्रा अर्जुन पावर प्लस फ्रंट लुक की हम बात करें, तो आप फ्रंट साइड से इसकी जो लुक है वो देख सकते हैं। यदि हम बात करें इसके राइट साइड से, तो ये राइट साइड का आप व्यू देख रहे हैं, 750/16 के फ्रंट टायर हैं वो आप देख लीजिए यहाँ से। और जो रियर टायर की जो कंडीशन है वो लगभग 50-60% के बीच में, 50-60%। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। 2017 मॉडल ये ट्रैक्टर है और 4,65,000 इस पर कीमत की गई है, यह कीमत लिखी गई है। ये इसका लेफ्ट साइड से व्यू है।
इस साइड से भी आप देख लीजिए एक बार। और यदि हम बात करें मार्केट की तो इस साइड आप देख लीजिए, ये ट्रैक्टर आपने इस वीडियो में देखे अभी, और इसके अदर साइड जो रो है, एक रो साइड रहती है, ये आप सामने देख सकते हैं, और काफ़ी लंबी रो यहाँ पर होती है, इस साइड भी आप देख लीजिए। और ऐसी ही दो रो रोड के दूसरी तरफ दिखाई देंगी आपको, जो आपको डे बाय डे वन बाय वन वीडियो के हिसाब से देखने को मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।